मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। आज हम सीखने वाले हैं मॉडल वर्ब मे का यूज कैसे करते हैं हम प्रेयर्स में और कर्सिस में। ठीक है, मे का एक और वीडियो हमने बनाया है, वो आप जरूर ध्यान से देख लेना, लेकिन उसमें हमने प्रेयर्स और कर्सिस की बात नहीं की है, इसलिए हमने ये अलग वीडियो बनाया है। तो आइए देखते हैं। देखिए, प्रेयर्स का यूज हम कहाँ करते हैं, जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, हम किसी के भले के लिए कोई बात कहते हैं कि भगवान करे ऐसा हो जाए, भगवान करे वैसा हो जाए। उसमें दो तरह के सेंटेंस बनाते हैं हम, एक तो प्रेयर्स वाले, एक कर्सिस वाले। प्रेयर्स मतलब हम किसी का भला चाहते हैं, भगवान करे उसकी नौकरी लग जाए, है ना, भगवान करे उसके बेटा हो। और कर्सिस वाले सेंटेंस जैसे कि फलाने का ये नुकसान हो जाए, फलाने का ये नुकसान हो जाए। क्योंकि आपका किसी ने कोई नुकसान किया जाता है तो दिल से आपके बद्दुआ निकलती है, तो इस तरह के सेंटेंस को भी हम मे से बनाते हैं। तो आइए सीखते हैं। देखिए, इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप रूल का यूज कर सकते हैं, सबसे पहले मे, उसके बाद गॉड ब्लेस, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है और रिमेनिंग बचा हुआ है वो। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप सबसे पहले मे लगाएं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएं, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन रिमेनिंग। चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं। भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, मे प्लस सब्जेक्ट और मे प्लस गॉड ब्लेस। तो हमने बनाया थे मे यू लिव लॉन्ग। ये सेंटेंस आपने सुना भी होगा, ये काफी पॉपुलर सेंटेंस है, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो जाए। भगवान करे उसे नौकरी मिल जाए, मे ही गेट दिस जॉब। भगवान करे इसे नौकरी मिल जाए, मे ही गेट दिस जॉब। और इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, गॉड ब्लेस हिम अ जॉब। तो हमने दोनों तरीके से बना लिया, मे ही गेट दिस जॉब और गॉड ब्लेस हिम अ जॉब। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, भगवान करे उसे बेटा हो, मे शी गिव बर्थ अ बेबी बॉय। यहाँ पे आप बॉय भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मे शी गिव बर्थ अ बेबी बॉय, क्योंकि हमने लड़के की बात करी है। ठीक है, इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, गॉड ब्लेस हर अ बेबी बॉय। तो हमने दोनों रूल का यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, भगवान करे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अब तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, इसका यूज हम कब करते हैं? हम इसका यूज तब करते हैं जब कोई हमारे भले के लिए कोई बात कहता है और हम चाहते हैं कि हाँ वो बात सच हो जाए, भाई जैसा तूने बोला है वो सच हो जाए, भगवान करे ऐसा हो जाए। तो हम इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे, मे वट एवर यू हैव अटर्ड, अटर्ड मीन्स जो भी आपके मुंह से निकला है, मे वट एवर यू हैव अटर्ड टर्न टू बी ट्रू, वो सच हो जाए, जो भी आपके मुंह से बात निकली है वो सच हो जाए। तो उसका मतलब हो जाता है कि भगवान करे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अगला सेंटेंस है, भगवान करे उसका बेड़ा गर्क हो जाए, मे ही बी रुइंड कम्प्लीटली। बेड़ा गर्क का मतलब क्या होता है, बेड़ा गर्क का मतलब किसी का नुकसान हो जाए, कोई बर्बाद हो जाए। तो हमने रुइंड वर्ब का यूज करा है, मे ही बी रुइंड कम्प्लीटली। भगवान करे उसका सत्यानाश हो, मे ही मीट हिज डिस्ट्रक्शन। तो हम नॉर्मली कर क्या रहे हैं, हम मे के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट लगा रहे हैं, उसके बाद वर्ब का यूज कर रहे हैं। भगवान करे वह तड़प तड़प कर मरे, मे ही डाई इंच बाय इंच। ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स जैसे यूज हुए हैं, इसमें कुछ फ्रेजेस जो फिक्स हैं, तड़प तड़प के मरे, तो आप उसके ज्यादा मीनिंग पे ध्यान ना दें अगर आपको ना पता हो तो। मे ही डाई इंच बाय इंच। भगवान करे उसे नर्क में भी जगह ना मिले, यानी कि मरने के बाद भी उसे नर्क में जगह ना मिले। मे ही नॉट गेट रूम इन हेल एज वेल, कि भगवान करे वो जब नर्क में जाए तो वहां भी उसके लिए कोई जगह ना हो, ये एक तरह की बद्दुआ है। ठीक है, नीचे नेक्स्ट सेंटेंस है, गॉड ब्लेस हर अ बेबी बॉय। ये हमने दोबारा से बनाया है इसी सेंटेंस के लिए कि उसके बेटा हो, और गॉड ब्लेस हिम अ जॉब, ये हमने दोबारा से बनाया है कि मे ही गेट दिस जॉब, क्योंकि हमने दो ऑप्शन ले रखे हैं, दो तरह के रूल से हम इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं मे वाले। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मे का यूज कैसे करते हैं प्रेयर्स और कर्सिस में। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नई जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।